हमारी नेमत हो, जहमत ना हो। कराची में सीजन की पहली बारिश ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 3 बच्चों समेत 5 अफराद जान बहक। अमवात के अलमनाक वाकयात मलीर मिलर टाउन गुलशन में पेश आए। आंधी और मूसलाधार बारिश से मोटरसाइकिल फिसलने से कई अफराद जख्मी। नाजमाबाद में गाड़ी नाले में जा गिरी, शहरी जख्मी। आंधी से दरख्त और खंबे गिर गए। तारेक रोड और सदर समेत मुख्तलिफ इलाकों में पानी सड़कों पर जमा। गाड़ियाँ खराब होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर। ट्रैफिक पुलिस कहीं भी नजर ना आई। शहर में सबसे ज्यादा बारिश नाजमाबाद में 30 मिलीमीटर रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात कराची में पेशगोई में नाकाम। डायरेक्टर सरदार सरफराज कहते हैं शहर कैद में बारिश अचानक बरसे। शदीद गर्मी की वजह से लसबेला और सुमियानी साइड पर बनने वाले स्पेल्स बारिश की वजह बने। के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी का पोल खुल गया। मुतअद्दिद फीडर ट्रिप होने से शहर का बड़ा हिस्सा अंधेरे में डूब गया। बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में भी मूनसून बारिशें। मकानात गिरने और करान लगने से 5 अफराद जाँ बहक, कई अफराद जख्मी। बोनीर में मकान गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक, खातून जख्मी हुई। बरनाई के इलाके स्पेन तंगी में 4 अफराद सिलाबी रेले में बह गए, 2 की लाशें निकाल ली गई, 2 खवातीन की तलाश जारी। नौशहरा में मकान गिरने से खातून जाँ बहक। टिब्बा सुल्तानपुर में करान लगने से 1 शख्स जाँ बहक। ज़िला मेहमद की नदी नालों में तुगयानी। लकी मरवत में सड़कें बह गईं। दरिया जैलम में सिलाबी सूरत हाल। करीबी आबादियां जेर आब आने का खदशा। मुल्क के बलाई इलाकों में बर्फबारी, लाइन स्लाइडिंग और राबता सड़कें बंद। खराब मौसम के बाइस नवाबशाह में लैंड करने वाली एयर ब्लू की परवाज अब तक उड़ान ना भर सकी। PA-405 के मुसाफरों को 3 घंटे बाद लाउंज में मुंतकिल कर दिया गया। एयर ब्लू का अमला 3 घंटों तक मुसाफरों को लाउंज में मुंतकिल करने से माजरत करता रहा। जहाज़ में कूलिंग कम होने के बाइस खवातीन बच्चे शदीद परेशानी में मुबतला रहे। सामने मैं हाजिर होके ये बात करता हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि नवंबर में किसको आर्मी चीफ बनाना। ये इशू था ही नहीं। कभी नहीं सोचा था अपना आर्मी चीफ लेके आऊंगा। नवाज शरीफ ने हमेशा पसंद का मेरिट को वायलेट करके अपना आर्मी चीफ लेके आया। कभी नहीं सोचा था नवंबर में किसको आर्मी चीफ बनाना है। आज तक मेरिट से हटकर कोई काम नहीं किया। साबिक वज़ीर आज़म का रजीम चेंज सेमिनार से खिताब। कहा नवाज शरीफ हमेशा अपनी पसंद का आर्मी चीफ लेकर आया। नवाज शरीफ और जरदारी चोर हैं। पहले ही पता था कि मैं इकदार में आऊँगा तो ये इकट्ठे हो जाएंगे। इन्हें डर फोर्स से होता है क्योंकि एजेंसीज के पास इनकी चोरी की रिपोर्ट्स होती हैं। ब्रिगेडियर रांझा ने नून लीग के लिए 2013 में इंजीनियरिंग की। इलेक्शन कमिश्नर हमजा को बचाने के लिए इंजीनियरिंग कर रहा है। अब इधर जा सकते हैं या उधर, न्यूट्रल्स गेम निकल गया। फैसला करना है ये मुल्क को जिस तरफ लेकर जा रहे हैं उससे निकलना कैसे है। IMF से हमें यकीन है कि जून के अंदर मुआहदा हो जाएगा। IMF की बात पे जो किया था, आपने ऐसी गलती पकड़ी हमारी जो हमने गलती कर दी, वो गलती हो गई हमसे। IMF से हाथ बांध के मामला तय करने पड़े हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मामला तय। कर्ज के लिए हुकूमत नए 400 अरब रुपए के टैक्स लगाने की हामी भर ली। नई शराइत सामने आ गई। 6 से 12 लाख सालाना आमदन पर 2.5% टैक्स आयद किया जाएगा। पेट्रोल पर हर माह 5 रुपए लेवी टैक्स लगेगा। नए माली साल के लिए टैक्स वसूलियों का हदफ 7,445 अरब तक लाने का फैसला। सालाना 15 करोड़ पर 1%, 20 करोड़ पर 2%, 25 करोड़ पर 3% और 30 करोड़ की आमदन पर 4% टैक्स लगाया जाएगा। नए माली साल के बजट का हुजम 400 अरब रुपए इजाफे के साथ 9,900 अरब हो जाएगा। IMF जुमे को मुआहदे का इब्तदाई मुसवदा पाकिस्तान को फराहम करेगा।
शुजाबाद डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ताहिर भट्टू साहब की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद नासिर शहजाद डोगर की सरबराई में हमरा तहसीलदार खालिद महमूद बैरून चुताका गेट बेरीवाला बाग में अयाजुल हसन वालताज मोहम्मद नामी शख्स के घर पर छापा। मौके पर 250 पेटियां सुल्तान घी और 87 पेटियां आयल घी बरामद कर ली गईं, जिनकी मालियत मुबले 19 लाख बनती है। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था, आज तहसील भार के मुख्तलिफ मकामात का विजिट किया गया है और सुल्तान घी आयल की बरामदगी की गई। मालिक मकान अयाजुल हसन वालताज मोहम्मद को गिरफ्तार करके FIR दर्ज करवा दी गई। कानूनी कार्रवाई का आगाज भी कर दिया गया। ऐसे अनासर के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां जारी रहेंगी। जलालपुर पीरवाला सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक साउथ पंजाब नासिर जमाल होतियाना और डायरेक्टर जनरल लाइफ स्टॉक साउथ पंजाब की हिदायत पर ऊँट के आलमी दिन के मौके पर महकमा लाइफ स्टॉक जलालपुर पीरवाला के जेर एहतमाम नवाई इलाका बस्ती हंजाना में ऊँटों के लिए फ्री वेटनरी कैंप लगाया गया। फ्री कैंप में ऊँटों को पेट के कीड़े मारने वाली मुफ्ती अद्वियात फराम की गई और ऊँट पाल हजरात को ऊँटों की देखभाल और परवरिश बारे मुफीद मशवरे और आगाही भी दी गई। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर लाइफ स्टॉक डॉक्टर जमशेद अख्तर ने कहा कि इस दिन को मनाने का मकसद आम लोगों को ऊँट के दूध और गोश्त की अफादियत बारे आगाही देना और ऊँट पाल हजरात की हौसला अफजाई करना है ताकि ये लोग मजीद ऐसन तरीके से ऊँटों की परवरिश करें। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में पाई जाने वाले ऊँटों की नस्लें दुनिया की बेहतरीन नस्लें हैं। इस जानवर को ज़र मुबादला का अहम जरिया बनाया जा सकता है। ऊँट का गोश्त गजाया से भरपूर बहुत सी बीमारियों के इलाज में मदद करता है। गजाया से भरपूर ऊँटनी का दूध भी मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होता है। इस दूध की अहम तरीन खसूसियत यह है कि इसमें कुदरती तौर पर इंसुलिन पाई जाती है जो कि शुगर के मरीजों के लिए मुफीद है। उन्होंने कहा कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी ऊँट का दूध इस्तेमाल होता है।